नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का इंडियन एमपी ट्रैक्टर में। आज हम बात करने जा रहे हैं 50 हॉर्स पावर में पांच सबसे बढ़िया ट्रैक्टरों के बारे में। 50 हॉर्स पावर कैटेगरी के ट्रैक्टर किसान भाइयों द्वारा काफ़ी पसंद किए जाते हैं क्योंकि यह कम से कम तेल खपत में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य प्रदान करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इन ट्रैक्टरों के मुख्य फीचर जो किसान भाइयों के लिए जानना आवश्यक है उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है जॉन डियर बाउंडस केयर प्रो। जॉन डियर बाउंडस केयर प्रो में आपको जॉन डियर का 2940 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है जो 2100 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। साथ ही यह ट्रैक्टर 38% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। अगर बात करें ट्रांसमिशन की तो इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स वाला कॉलर शिफ्ट या सिंक्रोमेस गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 42.5 हॉर्स पावर की रिवर्स मल्टी स्पीड और फॉरवर्ड पीटीओ देखने को मिल जाती है। साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको 2000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। नंबर 4 पर बात आती है पावर टेक यूरो 50 की। इस ट्रैक्टर में आपको पावर ट्रैक का 2961 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है जो 2000 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 185 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह ट्रैक्टर 25% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 10 गियर वाला गियर बॉक्स मिलता है जिसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर होते हैं। साथ ही यह गियर बॉक्स फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश होता है, साथ ही साइड शिफ्टेड आता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 43 हॉर्स पावर की लाइव पीटीओ देखने को मिलती है जिसमें रिवर्स फॉरवर्ड और मल्टी स्पीड पीटीओ का ऑप्शन उपलब्ध रहता है। साथ ही इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1700 किलोग्राम है। अब नंबर 3 पर बात करते हैं फार्म टेक 50 पावर मैक्स के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको फार्म टेक का 3510 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है जो 1850 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 228 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह ट्रैक्टर 20% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में तो इस ट्रैक्टर में भी आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स देखने को मिलता है जो साइड अपडेट आता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में तो फार्म टेक 50 पावर मैक्स में आपको 45 हॉर्स पावर की लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 किलोग्राम है। अगर बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर आता है न्यू हॉलैंड 3630 प्लस जो कि इनलाइन पंप के साथ आता है। न्यू हॉलैंड 3630 प्लस में आपको न्यू हॉलैंड का 2940 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है जो 2100 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह ट्रैक्टर 20% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। बात करें अगर इस ट्रैक्टर की ट्रांसमिशन के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 15 गियर वाला गियर बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर होते हैं। साथ ही यह गियर बॉक्स साइड शिफ्टेड और फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश होता है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 45.2 एचपी की रिवर्स पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1800 किलोग्राम है। अगर बात करें नंबर 1 ट्रैक्टर के बारे में तो इसमें आता है महिंद्रा का 585 एक्सी प्लस जो महिंद्रा ट्रैक्टर द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस ट्रैक्टर को नंबर 1 पर रखने का कारण यह है कि जैसे ही यह ट्रैक्टर लॉन्च हुआ इसे किसान भाइयों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। साथ ही यह ट्रैक्टर पुराने मॉडल की तुलना में ज़्यादा दमदार है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको महिंद्रा का 3037 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरल स्पिरिटेड इंजन मिलता है जो 2000 रेटेड आरपीएम पर चलकर लगभग 50 हॉर्स पावर की ताकत और 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर यह इंजन 25% का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं। यह गियर बॉक्स फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स आता है, साथ ही सेंटर शिफ्टेड होता है। आइए अब जानते हैं इस ट्रैक्टर की पीटीओ के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको 45 हॉर्स पावर की लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही इस ट्रैक्टर में आपको 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इन सभी ट्रैक्टरों में से केवल महिंद्रा 585 एक्सी प्लस में ही आपको 6000 घंटे या 6 साल की वारंटी देखने को मिलती है। अगर बात करें जॉन डियर बाउंडस केयर प्रो की तो इसमें आपको 5 वर्ष या 5000 घंटे की वारंटी देखने को मिलती है। वही न्यू हॉलैंड 3630 में आपको 3000 घंटे या 3 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाती है। बात करें पावर ट्रैक यूरो 50 और फार्म टेक 50 पावर मैक्स की तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको 5 वर्ष या 5000 घंटे की वारंटी देखने को मिलती है।
किसान भाई, वो निर्णय आपके ऊपर है कि आप ट्रैक्टर को किस लिए लेना चाहते हैं। यदि आप ट्रैक्टर को धुलाई के लिए लेना चाहते हैं तो अधिक टॉर्क वाला ट्रैक्टर लें, साथ ही यदि आप ट्रैक्टर रोटावेटर के लिए लेना चाहते हैं तो ज़्यादा P2HP वाला ट्रैक्टर लें। आप सभी का यदि कोई अन्य भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, साथ ही इस वीडियो का जो भी पार्ट 2 चाहता है वो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।